कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में नगर निगम ने गुरुवार को एक मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। यहाँ नमाज पढ़ने के लिए एक बिल्डिंग भी बनाई गई थी, उसे भी बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इससे गुस्साए लोगों ने नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। उपद्रव पर उतारू भीड़ ने बनभूलपुरा थाने को घेर कर पथराव किया और आगजनी की। ट्रांसफार्मर में भी आग लगा दी गई जिससे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। DM ने वनफुलापुरा में कर्फ्यू लगाते हुए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर कल यानी शुक्रवार को सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अतिक्रमण कोर्ट के आदेश पर हटाया गया है। हमलावरों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।